हेलो व्हाट्सअप गाइस मैं नाम इस विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू जाक्रिप्ट इन हंड्रेड डेज जहां गाइस हम हंड्रेड डेज के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस कह लीजिए या कोडिंग प्रॉब्लम्स कह लीजिए यूजिंग जाबस्क्रिप्ट उसको हम टैकल कर रहे हैं लेकिन उससे पहले गाइस मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट जॉब स्क्रिप्ट कोर्स अपडेट कर चुका हूँ पार्ट वन पार्ट टू एंड देन पार्ट थ्री हमारा जे आई मीन ई कॉमर्स वेबसाइट उसको अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली ऑल एड गाइस बिना किसी देर का वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज है हमारा डे नंबर फिफ्टीन ऑल एड गाइस तो आप देख सकते हो दिस इज अ क्वेश्चन जहां लिखा गया वी टू राइट अ फंक्शन टू कैल्कुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे ओके ठीक है फॉर एग्जाम्पल बता रहा है देखो गिवन द एरे अगर सपोज आपको एक एरे दी like तो, uh, गई है जिसके अंदर वी हैव ओनली थ्री एलिमेंट्स डेट इज लाइक योर वन टू एंड देन थ्री नंबर तो इट्स शुड रिटर्न फोर्टीन क्यों अब ये हमें फोर्टीन देना चाहिए आउटपुट में हमें एक सिंगल वैल्यू आ रही है ध्यान से सुनना आउटपुट में हमें एक सिंगल वैल्यू आ रही है एंड थ्रू आउट दिस कोर्स या कह लीजिए हमारे सीरीज में मैंने बहुत बार बोला है अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो एंड अगर आपको बात आती है लाइक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करना देन हमारे पास एक और मेथड है इन जावास्क्रिप्ट जिसकी मदद मतलब से हम यू चुटकी में उसको सॉल्व कर सकते हैं आई होप आपके दिमाग में वो घंटी बच चुकी होगी और लाइट लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा अब पहले ये देख लीजिए आपको फोर्टीन कैसे है लाइक वी हैव दिस वन वी नीड टू फाइन दिस समि स्क्वायर्स लाइक वन इन वन देन वी नीड टू लाइक एड करना है टू इंटू टू एंड देन थ्री इंटू थ्री सो वन इंटू वन तो वन ही हो गया दो दूनी चार तीन तीन नौ तो नौ दस चार पंद्रह कुछ सॉरी या दस चार चौदह ओ माई गॉड बट या आई होप आप समझ गए राइट तो गैस देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो so, सबसे पहले तो एक तरीका जो मैं आपको हजार बार बोल चुका हूँ एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मेथड राइट सो गाइस नाउ इट्स योर चांस अभी कीजिए वीडियो को पॉज एंड ट्राई योर सेल्फ आई होप गाइस आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा अगर आपसे आउटपुट नहीं आया इट डजेंट मैटर बट एटलीस्ट आपने ट्राई की राइट right? कुछ ना कुछ तो आपको मिला ना कहीं ना कहीं तो आपको कुछ पता चला है ना बस वही है मेले बहुत सो लेट्स गो विथ कॉन्स्ट एंड देन वी हैव अ सम ऑफ स्क्वायर्स है ना यहाँ पे लेट्स गो वही है एंड या परफेक्ट ठीक है तो हमें यहाँ पे एक एरे मिल रहा है तो मैं ए कर देता हूँ गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर मैं सिंपल रिड्यूस मैथड यूज करता हूँ यू नो वी हैव सिम्पल इस तरीके से यहाँ पे वी हैव फर्स्ट आर्गूमेंट में accumulator ले लेता हूँ देन वी हैव अ करेंट वैल्यू ठीक है या करेंट एलिमेंट आप कुछ भी कह लीजिए याद है हम क्या करते आपका जो accumulator रहता है यहाँ पे वी हैव accumulator विल be इक्वल टू accumulator प्लस आप यहाँ पे ना ब्रैकेट दे दीजिए और आपका ये जो करेंट एलिमेंट है इन टू आपका ये जो करेंट एलिमेंट है सिंपल है ना? क्योंकि अब हमें सिर्फ प्लस ही करना है लेकिन हमारा जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर हमें चाहिए सो so, जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाइड बाय दैट सेम नंबर तो करंट एलिमेंट इनटू करंट एलिमेंट प्लस मेरा ये अक्यूमलेटर एंड मुझे एट दी एंड में एक्यूमिलेटर का जो मेरा इनिशियल वैल्यू मैं इसको पुट कर देता हूँ दिस इज इट मेरा काम हो गया है एंड मैं ऑल आई मीन मैं ऑलरेडी इसको रिटर्न भी करा रहा हूँ अब अगर इसको मैं रन करता हूँ एंड बुम गाइस सी आप देख सकते हो मुझे फोर्टीन यहाँ पे आउटपुट आ रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था अगर आपको रिड्यूस मेथड आता है देन फॉर यू इट्स ईजी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ लेट्स से आपको रिड्यूस मेथड नहीं पता था बट मैं ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जब स्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स उसमें चेकआउट कीजिए आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एक और तरीका देखो आई नो आप में से शायद बहतों ने ये वाला तरीका अपनाया होगा जहां पे हम क्या करते हैं लेट एक वैल्यू ले लेता हूँ सम विल बी इक्वल टू जीरो है ना एक्यूमिलेटर के बदले अब मैं खुद से एक वैल्यू ले रहा हूँ जिसका नाम है सम एंड मैं यहाँ पे लूप चला दूंगा आप कोई भी लूप चला सकते हो मैं फॉर ऑफ लूप चला रहा हूँ मोमेंट आप ऑफ लुप चलाते हो वो आपको वैल्यू देती है एंड द मोवमेंट आप इन लुप चलाते हो आपका इंडेक्स नंबर देती है इन फॉर योर इंडेक्स ऑफ आप समझ जाओ आप बचा वैल्यू खाली है ना सो so लेट आप यहाँ पे लिख दीजिए एलिमेंट ऑफ वॉट एलिमेंट ऑफ माई एरे है ना एंड या दिस इज इट अब बस मुझे कुछ नहीं करना माई समी इक टू सम में आपका ये जो भी एलिमेंट होगा इन टू आपका ये एलिमेंट ठीक है या दिस इज इट बस इतना ही आपको करना था एंड आपकी सम की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लाइक अपडेट हो ही रहा होगा एट द एंड में मुझे ये जो मेरा सम है उसको रिटर्न करना होगा बस सिंपल दिस इज इट तो इधर यू कैन गो विथ ओनली तो वन लाइन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मेथड तो और यू कैन गो विद दिस फॉर ऑफ लुप तो कहीं ना कहीं का इस बहुत सभी लोग ये अपनाएंगे एंड इट्स टोटली फाइन कोई बात नहीं है क्योंकि छोटा सा ही कोड है एंड अगेन वी आर गेटिंग फोटीन सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो को इतना लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन गाइस आपने कौन सा तरीका यूज किया था एंड गाइस आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है वो भी जरूर बताइएगा अगर आपके पास कोई इंटरव्यू क्वेश्चन हो जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो जो आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊ प्लीज़ अपडेट कीजिएगा एंड बेटर रहेगा अगर आपने इंटरव्यू कोई आई मीन अगर आप इंटरव्यू के लिए गए थे एंड उन्होंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा अगर वो आप बता दोगे तो ये तो और भी मतलब ऑसम awesome हो जाएगा है ना तो गैस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा अभी तक अगर आपने मेरा ऑसम चैनल था आप टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूं मैं आप आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर